सुलझाए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी। पुलिस ने दो आरोपियों को किया काबू। सुलखा गांव में मिला था महिला का शव, गला घोंटकर की गई थी हत्या, फिर चेहरे को पत्थर से कुचला गया था। पति को छोड़कर दूसरे युवक दीपक के प्यार में अंधी थी मृतका। दीपक ने शादी के लिए महिला को बुलाया था, फिर मौत के घाट उतारा। सीआईए 3 पुलिस ने सुलझाए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी। बावल के गांव सुलखा की झाड़ियों में 9 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 25 साल की एक युवती की लाश बरामद हुई। शव की पहचान करना मुश्किल था, उसके चेहरे को पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ था। कई दिनों तक पुलिस उसकी पहचान करने में लगी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। दो दिन पहले किया 3 की टीम को एक क्लू मिला, उसी एंगल पर जांच की तो इस ब्लाइंड मर्डर का राज खुल गया। जिस युवती की लाश मिली थी वो यूपी के एटा की रहने वाली थी। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी दीपक ने ही अपने साथी कंडक्टर नरेंद्र उर्फ नोनू के साथ मिलकर की थी। इस काम के लिए दीपक ने नरेंद्र को 2 लाख रुपए देने का भरोसा दिया था। हत्या से पहले प्रेमिका के साथ रेप करने की पुष्टि भी हुई थी। ये सुलखा नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुँह पे पत्थर मार के और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश CIA 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं, इनकी टीम को इसकी जांच दी गई तो इसकी जो मृतक थी इसकी शिनाख्त हुई, तो इसका नाम दिव्या पता लगा और ये ईपैक कंपनी कोई खुशखेड़ा में है, वहाँ पे ये नौकरी करती थी। तो वहाँ पे इसके पति से जब संपर्क करने से पता लगा तो तफ्तीश के दौरान पता लगा कि कोई दीपक नाम का लड़का है, उनके साथ में ये एक दो बार दिव्या को देखा गया था। तो दीपक से CIA 3 विद्यासागर की टीम ने कड़ाई से पूछताछ की, तो कड़ाई से पूछताछ करने में उन्होंने बताया कि इसके साथ में दीपक के साथ में एक नरेंद्र ये लड़का जो बदराने गांव का है, इन दोनों ने इसकी 8/12/2022 को रात को लगभग 10-11 बजे ये शादी करने के लिए कह रही थी इनसे दीपक से, इनकी काफ़ी से पहले से दोस्ती थी और शादी करने के बहाने से कोर्ट के लिए बुलाया था और इसको बदराने के पास सुलखा नहर है वहाँ पे ले जाके गला घोट के इसकी हत्या कर दी थी और पहचान मिटाने के लिए मुंह पे पत्थर से वार किए थे। सर रेप की पुष्टि हुई है। ये शादीशुदा थी और ये जब खोशकड़ा में नौकरी करती थी, तो ये जो दीपक नाम का लड़का है ये भोड़ा कला का रहने वाला है, ये बस चलाने का काम करता है जो आजकल किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। तो ये दिव्या जो है ये ईपैक कंपनी में नौकरी करती थी, इस दौरान इनकी जान पहचान हो गई थी और उससे इसी सिलसिला इनका चलता रहा। और जब शादी के लिए जब इन्होंने बताया दबाव किया तो इनको ले जाके दिव्या को सुलखा नहर के पास इसकी हत्या कर दी। इसके पति ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। सर ये कंपनी की जो वर्कर्स को लाने ले जाने वाली बसेस थी, ये वो बसेस थी, प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने से, शादीशुदा है। जब ये इसने शादी करने से मना किया कि ये तो खुद शादीशुदा है, तो इसी बात पे इनका ये झगड़ा हुआ और इसने जब दबाव किया तो इसने दीपक ने बताया कि आज मैं 8 तारीख को कोर्ट मैरिज कर लूँगा, तो ये कोर्ट के अंदर इसको बुलाया था और इसको धोखे से वहाँ ले जाके और अपने दोस्त नरेंद्र जो बदराना गांव का रहने वाला है इसने जाके इसको वहाँ पे इसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। नरेंद्र इस बस के ऊपर कंडक्टर का काम करता,